आमीन। अल्लाह के बाद जो है बाद अल्लाह के, अल्लाह के बाद अल्लाह ने अपना नाम रब से ज्यादा शुमार किया है, रब मैंने परवरिश करने वाला, पालने वाला। रब के मतलब है परवरिश करने वाला, पालने वाला, वही पाल रहा है। जब अल्लाह है तो समझ लीजिए कि वहां पर अल्लाह जात की बात हो रहा है, बाकी की बात हो रहा है। जहां रब की बात आ जाए, जहां रब की बात आ जाए वहां समझ लीजिए वहां मोहम्मद की बात आ गया। वहां मोहम्मद के बात आ गया है। जहां रब की बात आ जाए, इन्ना रब्बी तहीक रब मेरा व रब्बुकुम अब रब तुम्हारा, फाबुदू हो पर उसी के बात करो। वहां अल्लाह नहीं है, रब है। इस दुनिया में जब बाप माँ जब बूढ़े हो जाते हैं तो अल्लाह कहता है कि दुआ मांग। वकुर रबिर हम हमा अकर का आयरा मेरे रहम कर उन दो माँ बाप मेरे को, मेरे जो दो माँ बाप है उसके जो है रहम कर। वकुर रबिर हम हमा अकर का आयरा हमारे रहम कर उन दोनों पर। कमा रब बया है कमा रब यार ने, जैसा कि पाला था दोनों ने मुझको, सगीरा छोटा सा। कमा रब यार ने, जैसा कि परवरिश किया था, पाला था दोनों ने मुझको सगीरा बचपन से जैसा पाला था तूने उसको, तू जो है उसको ऊपर रहम कर। वैसा आज हम कहते हैं हमेशा के मेहनत बर्बाद न हो जाए, इसीलिए आप लोग जो है हर हफ्ता दरबार गहमरी में आकर हाजिर हो जाइए। और मोहम्मद के कुरान में अब सुन लीजिए, हक को सुन लीजिए, हक को पहचान लीजिए और मोहम्मद को खुदा मानने वाले हो जाइए, ताकि आप लोग भी मोहम्मद को इंसान ना जाने बल्कि रहमान जानने वाले हो जाए। और जो कुछ भी सवाल बाकी है अल्लाह ने हमको बैठा के रखा है, हम पूरा कर देते हैं। हमारे रहम कर उन दोनों पर, हमारे बयाने जैसा के पाला था दोनों ने मुझको संगीरा बचपन से, जैसा बचपन से दोनों ने मुझको पाला था तुझे है रहम कर। दुआ मांग अल्लाह ताला करता है। वकुर रब्बे आका कह रहा हमारे, वकुर रब्बे हम हमा आका कह रहा हमारे, आका कह रहा हमारे रहम कर उन दोनों पर, मेरे माँ बाप पर। तो क्या हम इस साहब के ब्याह नहीं करेंगे, उनका औलाद होंगे जो उनकी मर्तबा है, क्या हम ब्याह नहीं करेंगे? अगर आप इंसान अगर अपने रब के लिए अगर रहमत बयान कर रहा है तो हम कहते हैं मेरा बाप को जो अल्लाह ताला रहमत लिल आलमीन के जो है जान से, रहमत लिल आलमीन के जान से हत्यारा शरीफ में लाकर बैठा कर दिया। अल्लाह अपना जान से मोहम्मद को बनाया है, अल्लाह अपना जान से मोहम्मद को बनाया है, मोहम्मद ने अपना जान से जो है हमीद परवार का हमारी को बनाया है। ये मोहम्मद की तारीफ है। प्यारे पीर दस्तगीर को मोहम्मद ने अपना जान से बनाया है। इसीलिए कहते थे कि तमाम पीरों के जो है कांधे के ऊपर मेरा पैर है। इमाम हसन कहते हैं तमाम पीरों को पगड़ी के ऊपर जो है मेरा पैर है। बिल्कुल कहना चाहिए। अजी आप तो कुरान में बैठने वाले साहेब हैं। सस्ती कुर्सी किसी का टीयर का होता है, किसी का लकड़ी का होता है, किसी का सोने का होता है, किसी का चांदी का होता है। मोहम्मद के जो है वजूद, जो है मोहम्मद के वजूद इमाम हसन इमाम हुसैन का कुर्सी दिखलाई दे रहा है।
अब जो जो बात है वो बात है। कुरान शरीफ किसी का खिलौना घोड़ा है, किसी का खिलौना गुड़िया है, किसी का खिलौना बस है, गाड़ी है, 6-6 रुपए का, 12-12 रुपए का, 600 रुपए का, 6,000 रुपए का, 6,00,000 रुपए का, और इमाम हसन इमाम हुसैन का जो है खिलौना वो कुरान शरीफ है। कुरान शरीफ से खेल लेगा लोग, आरोप जी ने कहा जी जो है मोहम्मद के नवासा है तो ऐसा करेगा। बोला जी कुरान में अगर कुरान को लपटी लपटी कर दोगे तो क्या होगा जी? बोले कुछ नहीं होगा। बोले कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अगर देखा जाए तो वो चमड़े का कुरान दिखलाई दे रहा है और मेरा नवासा हुसैन जो है वो जो है इंसानी कुरान दिखलाई दे रहा है। अल्लाह ने अपना रहमत से बनाया है, अल्लाह ने रहमत से बनाया है, हमको इल्म है, हमको खबर है, हम जानते हैं, हमारे पास वो इल्म है। अल्लाह इल्म दिया उसको सजदिल कुआ सख्त कुत वाले ने, सख्त कुत वाले ने मोहम्मद सल्लम को इल्म दिया कि वो कौन है। अगर मोहम्मद आईने के अंदर अगर छुप जाए, अगर मोहम्मद आईने के अंदर अगर छुप जाए तो वहां हुसैन को पकड़ लीजिए, मोहम्मद को पकड़ना हो जाए, छुपा हुआ चीज जो है जाहिर हो जाएगा। इसी तरह अगर हमी साहब अगर छुप गए हैं तो उन्हीं के मर्जी में उनका खलीफा को ढूंढिए, बेशक आपको हमीर मुर्शिद राह दिखला देने वाला। वो कश्ती जारी है और चल रहा है, हमीर मुर्शिद में कश्ती जारी है और चल रहा है, वो यतीम का कश्ती है, अल्लाह अपना हाथ जला रहा है, अपना आंख से जो है चला रहा है, अपना हाथ से बनाया है और अपना आंख से जो है चला रहा है। वो यतीम का कश्ती जारी है, वो यतीम भी जारी है और वो यतीम का कश्ती भी जारी है। आज दुनिया के इसमें भी पीर मुर्शिद है, उसका माँ बाप नहीं है, सभी यतीम दिखलाई दे रहा है, सभी यतीम है, सबका रब जो है सबका पालने वाला परवरिश करने वाला रहमतुल आलमीन दिखलाई दे रहे वो कुरबिर हम हुमा अका कहना हमारे रहम कर मेरे माँ बाप के ऊपर, रहम कर मेरे माँ बाप के ऊपर, रहम कर रहमतुल आलमीन से दुआ कर, रहम के मतलब ही रहमतुल आलमीन से दुआ कर। वकुर रब्बिर हम हुमा कह रहा हमारे से के रहम कर कमारा बयान है जैसा कि पाला था दोनों ने मुझको सगीरा बचपन से, उसी तरह बहुत मुरीदों को आप हिदायत किए, उसका हिदायत बन ना हो जाए इसलिए आप खलीफा को मुकर्रर किए। खलीफा मुकर्रर करना ये पीर मुर्शिद की शान है। अल्लाह ने खलीफा को मुकर्रर किया, कोई नहीं किया, अल्लाह किया है, अल्लाह मुकर्रर किया है। किसी इंसान का ताकत नहीं है, अल्लाह मुकर्रर किया है। किसका चेहरा कैसा बनेगा नहीं बनेगा माँ को भी पता नहीं है, लेकिन हम ही फरहा का अमरी को कैसे पता चला। हमीद के मतलब ही है तारीफ किया गया, ये बात फरवा का मेरे को कैसे पता चला। फरवा का हमारी के नाम जो है सूफी अजाकाची दिए, आपका नाम जो है फरवा है, फरवा आप डालो वाले हैं, आपके अगल बगल से पीर मुर्शिद ही लोग दिखलाई दे रहे हैं, आप फरवा है, उनको कैसे पता चला कि उनके आला और आद पी आने वाले हैं। उनको वैसे ही पता चला जैसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद को इल्म दे रहा है। जिस तरीका से अल्लाह ताला मोहम्मद को इल्म दे रहा है उसी तरीका से रहमतुल आलमीन मोहम्मद हम सब मुरीदों को भी इल्म देगा। बस हम लोग यकीन ईमान अगर ठीक रहे, अगर हम लोग अपने यकीन ईमान को अगर मजबूत कर लेंगे, बेशक हम लोग रहमत भी पा लेंगे और रहमत वाले को भी पा जाने वाले, मोहम्मद को भी पा लेंगे और मोहम्मद के ताकत को भी हम लोग पा लेंगे। आज पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह।
खाली हो जाइए वहला रब्य का फर्क तरफ अपने का अभिभावत जो इबादत कीजिए। यानी अगर आप फारिग नहीं होते हैं, अगर आपके बयान चल रहा है, अगर आप फारिग नहीं होते हैं, आपके लिए नमाज नहीं है, आपके लिए रोजा नहीं है, आपके लिए हज नहीं है। फैजा फरक तब फंसब, फैजा फरक तब फंसब, तो जब आप फारिग हो काम अपने से, आपका काम क्या है, वमा अरसलना का और नहीं भेजा हमने तुझको इल्ला मुबशिरा व नजीरा, मगर बसारत देने वाला और डराने वाला। आपके जब बसारत देना जब आपका थम जाए, जब आप समझ लीजिए कि आप जो है इत्मीनान हो गए हैं, फारिग हो गए हैं, वाइला रब्बे का फर्क, तो आप रब की तरफ रगबत कीजिए जाइए। फैजा फर्क तब फंस वाइला रब्बे का फर्क। ये आयत किसी के लिए नहीं, ये आयत सिर्फ जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। वह हुआ माकुम है ना माकुम तुम, और वो साथ तुम्हारे है जहां हो तुम। इंसानी जो पीठ है, इंसान का जो पीठ है वो इबादत को ढक के रखता है, अल्लाह ने उसको तोड़ दिया। मोहम्मद के सीने पीठ को अल्लाह ताला ने तोड़ दिया। आपको अल्लाह ने रफा किया, वरफा आना अल्लाह का जिक्र, वरफा अरफा किया, अल्लाह ने आपको बुलंद किया, वरफा अरफा किया अल्लाह ने आपको, जिक्र आपको, जिक्र आपका जिक्र अल्लाह ताला ने बुलंद किया। कैसे बुलंद किया, वजपुर फील के ताबे मूसा, वजपुर फील के ताबे मूसा, और जिक्र कर आबे मुहम्मद, बीच कुरान के मूसा को, वजपुर पील के ताबे मरियम, वजपुर पील के ताबे मरियम,
और जिकिर कर आवे मुहम्मद बीच कुरान के मरियम को वज़कुर फिल किताब इब्राहीम वज़कुर फिल किताब इब्राहीम और जिकिर कर आवे मुहम्मद बीच कुरान किताब इब्राहीम को इन्नहु काना सिद्दीकन नबिया मुत्तकीन वह तो चरण भी दुनिया के लोग सोच जो दुनिया की बयान है जो दुनिया के मौलवी है वो देख रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बयान को अल्लाह जिक्र करने के लिए कह रहा है ताकि उसका जिक्र से हम लोग नसीहत पकड़े। आ है तरीकत के मंजिल में राह तरीकत के मंजिल में आज आकर देखिए राह तरीकत के मंजिल में अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अगर मोहम्मद जिक्र नहीं करते हैं तो वो सिद्दीकन नबी नहीं कहलाएगा। अगर मोहम्मद जिक्र नहीं करते हैं तो मरियम के बयान ही नहीं होगा, मरियम का जिक्र नहीं होगा। और जिक्र कर वाइजा कराकर कुरान वाइजा कराकर कुरान और जिस वक्त के तू पढ़े कुरान को आगे मुहम्मद और जिस वक्त के तू पढ़े कुरान को जिस वक्त के तू पढ़े कुरान लाख हाथी पे ही जैसा ने कहा आए मोहम्मद अपने जवाब को मत हिलाइए जिब्राइल समझ जाएगा। कहा कि ईसा के जवाब हिलाने में ईसा ही दिखलाई दे रहे हैं तेरा जवाब हिलाने में वो हम ही हमको देखने वाला हो जाएगा वो अल्लाह को देखने वाला हो जाएगा। जिला तहली पे ही मत हिला सा कुरान मजीद के लिसान का जवान अपनी को लेता देगा भी ताकि जल्दी करे तू उस पर ऐसा ना हो जल्दी हो जाए। आप खामोश रहिए आपको हम खुद ही पढ़ाने वाले हैं। ला तो हरदिक में ही यथा ने कहा मत हिला सा कुरान मजीद के जवान अपनी को लेता देगा भी ताकि जल्दी करे तू इस पर सुम्मा इन्ना लैना जमाहू फिर हमारे जिम्मा पर है जमा करना उसका मुहम्मद फिर हमारे जिम्मा पर है जमा करना उसका वह कुरान और पढ़ना उसका मुहम्मद और पढ़ना उसका फैजा कराना हो पस जिस वक्त के पढ़े हम कुरान को अबे मुहम्मद पस जिस वक्त के पढ़े हम कुरान को फतबे कुरान पस पैरवी कर पढ़ने हमारे की मुहम्मद पस पैरवी कर नकल कर पढ़ने हमारे की जहां लोग कहते नकल करता जी यहां अल्लाह नकल करवा रहा है। दुनिया के लोग अगर नकल कर रहे हैं अल्लाह कहता है वो अपना पैदाइश भूल गया है वो नशा खलकार भूल गया है पैदाइश अपनी दरअब अल्लाह मसलन बयान किया हमारा मिसाल हमारा तरह बयान करता है जी हमारा तरह करता है बयान दरअब अल्लाह मसलन बयान किया हमारा मिसाल वो नशा खलका वो अपना पैदाइश भूल गया और मोहम्मद कहता है तू मेरा तरह बयान कर जैसा अरस में मैं बयान करता हूं वैसा उर्स में तू बयान करने वाला ताकि तुझको देखने वाले वो मुझ तक पहुंच जाए और पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।